आज की अगतवाणी है 18 जनवरी 2003। हेडिंग दिया है ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बनो और सर्व को समर्थ बनाओ। कैसे समर्थ बनो? ब्राह्मण जन्म की जो अच्छी अच्छी अनुभूतियां हुई है, जो अच्छी अच्छी स्मृतियां हैं बुद्धि में, उनको स्मृति में लाने से खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। जब प्रसन्नता बढ़ेगी तो समर्थ जरूर बढ़ेगी है? और समर्थ बनेंगे तो सबको भी कैसा बनाएंगे? समर्थ बनेंगे। जो जैसा होगा दूसरों को भी वैसा ही। आज चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह के मीठे मीठे याद के भिन्न भिन्न बोल, स्नेह के मोती की मालाएं बाप दादा के पास अमृत वेले से भी पहले पहुंच गई। मोती की मालाएं कौन सी होती? कोई कोई दामेली माताएं हैं, वो बूढ़े दादा से भी नहीं मिली है, ब्रह्मा का पास उससे भी नहीं मिल पाई, और जो अभी एडवांस में दादा का पास चल रहा है उससे भी नहीं मिल पा रही है। तो उनकी आंखों से क्या आते हैं? आंखों के मोती बिलक जाते हैं और वो माला बनती रहती है। तो बाबा ने कहा इसमें से मोती की मालाएं बाप दादा के पास अमृत वेले से भी पहले पहुंच गई। बच्चों का स्नेह बाप दादा को स्नेह के सागर में समाये लेता है। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चे में स्नेह की शक्ति अटूट है, यह स्नेह की शक्ति हर बच्चे को सहज योगी बनाए रही है। ज्यादा सहज योगी और निरंतर योगी किस आधार पर बनते हैं? जिसमें जितना ज्यादा अब विचारी स्नेह बाबा के लिए भरा होगा क्या, वो उतना ही सहजयोगी बन जाएगा, और सहजयोगी होगा तो निरंतर याद भी आती रही। स्नेह के आधार पर सर्व आकर्षणों से उपराम हो आगे से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा एक बच्चा भी नहीं देखा जिसको बाप दादा के या विशेष आत्माओं द्वारा न्यारे और प्यारे स्नेह का अनुभव न होता हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का ब्राह्मण जीवन का आजकल स्नेह की शक्ति द्वारा ही हुआ है। क्या कहा? हाँ, आजकल तो वैसे शक्ति का होता है सचिव का पहला गणित है, और उसमें भी संगम युग का स्वर्णिम काल, संगम का लास्ट हिस्सा जब प्रत्यक्षता हो जाती है। लेकिन वो आज काल में जो स्नेह मिलता है वो तो स्थूल बात हो गई, स्थूल दुनिया की। लेकिन जब ज्ञान में आते हैं शूटिंग पीरियड में, रिहर्सल के पीरियड में, तो जो आत्मा जब भी जन्म लेती है पहली पहली बार बाबा के सम्मुख आती है, उस समय उसको जितना स्नेह अंदर से बसा हुआ होता है उतना फिर आगे के पुरुषार्थ जीवन में उतना स्नेह नहीं हो पाता। पहले सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, फिर रजो और फिर लाश निकल, ये चार अवस्थाओं से हरेक का ब्राह्मण जीवन गुजरता है। क्या ये रिहर्सल होती है? ये रिहर्सल कहो, रिटायरिंग कहो, शूटिंग कहो, ये चलती रहती है। तो आजकल स्नेह की शक्ति द्वारा ही हरेक का जन्म हुआ है। ब्राह्मण जन्म की यह स्नेह की शक्ति वरदान बन आगे बढ़ाई गई है। तो आज का दिन विशेष बाप और बच्चों के स्नेह मिलन का दिन है। कौन सा दिन? 18 जनवरी। 18 जनवरी विशेष स्नेह का दिन, मिलन का दिन क्यों बताया? 18 जनवरी विशेष बाप और बच्चों से मिलन का दिन है ऐसा क्यों बताया, और दूसरे दिन क्यों नहीं? 18 जनवरी को ही शरीर तो छोड़ा था, 18 जनवरी को माने शरीर छोड़ा, लेकिन यहाँ बाप और बच्चों की बात हो रही है, माँ और बच्चों की बात नहीं हो रही है। इसलिए शरीर छोड़ने के बाद, बाबा ने 18 जनवरी को शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ने के ठीक 1 साल के बाद जो बाप वाली आत्मा, राम वाली आत्मा जिसे राम बाप कहा जाता है, वो माउंट आबू में पहली बार गुलजार दादी से मिलने के लिए पहुंची। क्या? पहली बार। तो इसलिए बोला
आज का दिन विशेष बाप और बच्चों की इतने ही का दिन है, इतने ही मिलन यहाँ से शुरू हुआ है, तो वो आदिकाल था क्या? आदिकाल हर एक ने अपने जन्म स्नेह के मोतियों की मालाएं बहुत बहुत बाप दादा को पहनाई। किसको पहनाई? बाप और दादा। बाप कौन, दादा कौन? राम वाली आत्मा जितने शिव कांस्टेंट प्रवेश करते हैं मुकर्रर रथ में, वो बाप और दादा माने ब्रह्मा की शोर जो चंद्रमा और चंद्र के रूप में शंकर के मस्तक पर दिखाई जाती है। और शक्तियां आज के दिन मर्ज है, लेकिन इसलिए की शक्ति मर्ज है, और शक्तियां तो मर्ज रूप में है, लेकिन बच्चों के अंदर इसलिए की शक्ति इमर्ज रूप में है। किस दिन? 18 जनवरी। बाप दादा इन बच्चों की स्नेह के सागर में लगली नहीं। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हैं। कौन सा दिवस? स्मृति दिवस। स्मृति दिवस सिर्फ ब्रह्मा बाप के स्मृति का दिवस नहीं है, लेकिन बाप दादा कहते हैं आज और सदा यह याद रहे कि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही आज से अब तक क्या क्या स्मृतियां दिलाई है, वो स्मृतियों की माला याद करो, बहुत बड़ी माला बन जाएगी। सबसे पहली स्मृति सबको याद है ना? पहला पाठ सबसे पहली स्मृति क्या मिली? हुई एम आई, इसका फाउंडेशन वाली स्मृति मिली। असली स्मृति नहीं मिली कि मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ, पहले जन्म में संसार में तो तक होने वाली हमें ये स्मृति नहीं मिली, लेकिन फाउंडेशन रूप में हमें ये स्मृति मिल गई कि मैं एक आत्मा हूँ। विस्तार मैं कौन, इस स्मृति ने ही नया जन्म दिया, वृत्ति व्यक्ति स्मृति परिवर्तन कर दी। अभी तक तो देह समझ से आ रही थी, देह समझने से तो काम करो तो लोग अहंकार सारों का जन्म हो जाता है, लेकिन अब ज्ञान में आने के बाद क्या समझ लिया कि हम एक ज्योति बिंदु एक विस्तार आत्मा है, इससे सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। स्मृति से सारा ही परिवर्तन होता है, स्मृति का खेल है दुनिया में। ऐसी स्मृतियां याद आते ही रूहानी खुशी की झलक नैनों में मुख में आ ही जाती है। आप स्मृतियां याद करते और भक्तमाला सुमिरन करते हैं क्या? आप तो उन स्मृतियों को याद करते हैं और भगत लोग क्या करते हैं? माला फेरते रहते हैं। आप माला के मणके बन जाते और वो माला को फेरते। एक भी स्मृति अलवेले का अलवेले से कर्मयोगी बनने समय में भी बार बार याद रहे तो स्मृति समर्थ स्वरूप बल बना देती है, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी समर्थ सतह हो जाती है। इसलिए आज के दिन को स्मृति दिन साथ साथ समर्थ दिन ऐसे कहते हैं। ब्रह्मा बाप सामने आते ही बाप की दृष्टि पढ़ते ही आत्माओं में समर्थि आ जाती है। सब अनुभवी है उस बात के, सभी अनुभवी है ना? पूछा चाहे साकार रूप में देखा, चाहे अव्यक्त रूप की पालना से पलते हुए अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। सचिंद ने दिल से बाप दादा कहा और समर्थि स्वतः ही आ जाती है। इसलिए वो समर्थ आत्माएं अब अन्य आत्माओं को अपनी समर्थि से समर्थ बनाओ। उमंग उत्साह होता है ना, तो वो उमंग है हम असमर्थ को समर्थ बनाने की। बाप दादा ने देखा कि चारों ओर कमजोर आत्माओं को समर्थ बनाने का उमंग तो अभी अच्छा है। शिवरात्रि के प्रोग्राम धूमधाम से बनाए रहे हैं, सबको उमंग है। जिसको उमंग है बस इस शिवरात्रि इसमें कमाल करेंगे वो हाथ उठाओ। ऐसी कमाल जो भी धमाल हो रहे हैं वो सारे धमाल खत्म हो जाए, जय जयकार हो जाए, माना क्या अच्छा है? कमाल करना अच्छा है या धमाल करना अच्छा है? धमाल किसे कहते हैं? धमाल कहते हैं लड़ाई झगड़ा। ब्राह्मण परिवार में लड़ाई झगड़ा होता रहे तो ये हुआ धमाल, और ब्राह्मण परिवार में बाप की प्रत्यक्षता हो जाए तो हुआ कमाल। तो वो कमाल हो जाए, वाह वाह समर्थ आत्माएं, वाह वाह ऐसी कमाल करके दिखाओ। प्रोग्राम बनाया है ना,
पंजाब में भी बनाया है। इस बात का प्रोग्राम संभाल कर बात की ऐसी प्रत्यक्षता हो जो धमाल खलास होकर के कमाल हो जाए, ऐसा पंजाब ने भी प्लान बनाया है ना। अच्छा है, भटकती हुई आत्माएं, प्यासी आत्माएं, अशांत आत्माएं, ऐसी आत्माओं को अंजलि तो दो। फिर भी आपके वो सब भाई बहने कौन, जो आत्माएं अशांत हैं, भटकती हुई हैं, प्यासी हैं, लेकिन उनकी प्यास बुझ नहीं रही है, तो अपने भाइयों के ऊपर, अपनी बहनों के ऊपर रहम आता है। देखो आजकल परमात्मा को आपदा के समय याद करते हैं, लेकिन शक्तियों को देवताओं से भी गणेश बहुत मानते हैं। जो शक्तियों को मानते हैं और देवताओं को भी मानते हैं, गणेश को ज्यादा मानते हैं, हनुमान है उसको भी मानते हैं, और भी देवताओं को ज्यादा याद करते हैं। तो वो याद करने वाले नहीं है, देवताओं को याद करते हैं विपदा आने पर। वो कौन है, आप ही जो हो ना, आपको रोज याद करते हैं, पुकार रहे हैं कि हे कृपालु, हे दयालु, हमारे ऊपर रहम करो, कृपा करो, जरा सी एक सुख शांति की बूंद हमको दे दो। आप द्वारा एक बूंद की प्यासी आत्माएं ही तो दुखियों का, प्यासी आत्माओं का आवाज हे शक्तियों, हे देवताओं, आपके पास नहीं पहुंच रहा है क्या? पहुंच रहा है ना। बाप दादी जब पुकार सुनते हैं तो शक्तियों को और देवताओं को याद करते हैं क्या? बाप दादा, बाप वो तो साधारण तन में साधारण है, साधारण पाठ बजाने वाला, और दादा, दादा व्यक्त है जी, तो दोनों ही सहज किसी को वो स्मृति में पक्का नहीं बैठ पाते, निश्चय निश्चय का खेल चलता रहता है। तो पूछा, बाप दादा जब पुकार सुनते हैं तो शक्तियों और देवताओं को याद करते हैं क्यों? क्योंकि बाप दादा वो जो भी काम कराना है, कराना किसके द्वारा है? शक्तियों द्वारा, बच्चों द्वारा। तो अच्छा प्रोग्राम दादी ने बनाया है, बाबा को पसंद है कि कल से स्मृति दिवस तो सदा है ही, लेकिन फिर भी आज का दिन स्मृति द्वारा सर्व समर्थना विशेष प्राप्ति करने का दिन। अब कल से शिवरात्रि तक बाप दादा चारों ओर के बच्चों को कहते हैं कि ये विशेष दिन यही लक्ष्य रखो कि ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को अंचलि मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा किसी भी विधि से संदेश उनको जरूर देना। क्या अमृत मिले मनसा द्वारा, और सारे दिन में जो भी आत्मा मिले वाचा द्वारा, और कर्मा से संबंध संपर्क में आते हैं उनसे उनको अनुभूति हो कि हमको संदेश दे रहे हैं, उनका दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। अमृत मिले करके बाबा के साथ बैठ जाओ, क्या बाबा की जिंदगी के साथ अपनी जिंदगी बैठा दो और वहीं से सर्च लाइट खेलना शुरू कर दो। सर्कस में सर्च लाइट होती है ना, यू यू करके घूमती है चारों तरफ है, तो ऐसे ही बाबा के साथ बैठ करके सर्च लाइट देना शुरू कर दो आप लोग, माया हिलाएगी, माया हिलाए आप फिर अपनी जगह सेट हो जाओ, वो कुर्सी हिलाए आप कुर्सी को सेट कर दो। संबंध संपर्क द्वारा किसी भी विधि से कोई भी आत्माओं को संदेश जरूर देना, अपना उलहना उतार दो। बच्चे सोचते हैं अभी विनाश की डेट तो दिखाई नहीं देती है, क्या पहले 76 बताई, 76 पार हुई फिर 2000 बताई, फिर 2000 पार हो गई, अभी विनाश की डेट तो दिखाई नहीं देती। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चों को वो कहानी भूल जाती है, फिर आया तो कभी कभी उलहना पूरा कर लेंगे, लेकिन नहीं, अगर अभी से उलहना पूरा नहीं करेंगे तो ये भी उलहना मिलेगा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, हम भी कुछ तो बना देते, अभी तो सिर्फ अहो प्रभु कहेंगे, इसलिए उन्हें भी कुछ तो वर्षे की अंचली लेने दो, कुछ समय दो उन्हों को भी, एक बूंद से भी प्यास को बुझाओ, प्यास के लिए एक बूंद भी बहुत महत्व वाली होती है। तो यही प्रोग्राम है कि कल से लेकर के बाप दादा भी हरी झंडी नहीं, कल से लेकर के बाप दादा भी नगाड़ा बजा रहे हैं, क्या नगाड़ा, नगाड़ा एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसकी आवाज सब वाद्य यंत्रों को ठंडा कर देती है।
नगाड़ा बहुत जोर से बजता है। और किसके मंदिर में दिखाया जाता है? कृष्ण के मंदिर में सुनी थी, बांसुरी सुनाई पड़ती है। और शंकर जी के मंदिर वो नगाड़ा चलता है। तो नगाड़ा बजाए रहे हैं हरी झंडी नहीं, नगाड़ा बजाए रहे हैं कि आत्माओं को एक रक्त आत्मा संदेश दो। कम से कम शिवरात्रि पर बाप के बर्थडे का मुख तो मीठा करें कि हाँ हमें संदेश मिल गया। क्या ये जो आने वाली शिवरात्रि है इसमें मुख तो मीठा करें कि हमें संदेश मिल गया। ये दिल खुश मिठाई सभी को सुनाओ खिलाओ। साधारण शिवरात्रि नहीं मनाना। क्या जो आने वाली शिवरात्रि है उसे जैसे और शिवरात्रि मनाते चले आए उसे भी तो नहीं मनाना, कुछ कमाल करके दिखाना। ऐसा उमंग है? अच्छा पहली लाइन में जो बैठे हैं उनको है बहुत धूम मचाओ। कम से कम यह तो समझे कि शिवरात्रि का इतना बड़ा महत्व है, हमारे बाप का जन्मदिन है, सुनकर के खुशी तो मनाए। अच्छा जितने भी यहाँ बैठे हैं चारों ओर तो इन सबको जाना ही है, लेकिन जितने भी बैठे हैं कितनी संख्या होगी? कोई ने कहा 12-13 हजार बैठे। अच्छा जो भी बैठे हैं मधुबन वाले कहेंगे हम कहाँ संदेश देंगे। आजकल तो मधुबन के आसपास भी गांव बहुत हैं, चाहे ऊपर चाहे नीचे बहुत लोग हैं। कम से कम एक आत्मा को तो अपना बनाओ। कहाँ कहाँ माउंट आबू की बात बताई, माउंट आबू की बात बताई। कम से कम एक आत्मा को तो अपना बनाओ। क्यों माउंट आबू में माउंट आबू के रहने वाले कोई भी निकले अभी तक जाने? क्या बाहर के आ रहे हैं चारों तरफ से लेकिन दीपक जले, दीपक जले मेरा। तो बोला कम से कम एक आत्मा को तो अपना बनाओ। संदेश तो बहुतों को देना है लेकिन एक आत्मा तो अपना वर्षा लेने के लायक बन जाए। सभी एक को तैयार करो तो 9 लाख तो पूरे हो जाएंगे। मानो कितने ज्ञान में निकल पड़े अभी। सभी एक एक को तैयार करो तो 9 लाख तो पूरे हो जाएंगे तो कितने निकल पड़े अभी। नहीं सभी एक एक को संदेश देंगे तो 9 लाख पूरे हो जाएंगे तो संदेश देने वाले कितने हो गए? 9 लाख हो गए ना। हाँ तो बताइए इशारा दिया कि अभी 9 लाख बच्चे जो है उन्होंने बाप का संदेश तो ले लिया है, कम से कम प्रजा तो बन चुकी है। तो मंजूर है करेंगे तो सिर्फ बोलेंगे, सिर्फ हाथ नहीं उठाना लेकिन दिल से करना है। करना है नारायण से पूछा करना है। तो जो बाप दादा ने कहा है 9 लाख की लिस्ट होनी चाहिए। किससे पूछा? नारायण बाबा का बच्चा है। क्या बम्बई में नारायण दादा कहा जाता है तो उनसे पूछा कि करना है क्यों? नारायण से क्यों पूछा? 9 लाख का कनेक्शन नारायण से क्यों? हाँ तो नारायण जो है वो हद में भी है, बाबा के सामने वहाँ हद की रात में बैठी रहती है। जगदीश से बात करते हैं तो जगत का ही बेहद में भी है तो हद में भी है उस समय। और क्योंकि बाबा तो इमर्ज करके बोलते हैं, बाबा जब बोलते हैं ना तो उन आत्माओं को जिनसे बात करते हैं उनको बुद्धि में इमर्ज कर लेते हैं। बैठे कोई दूसरे हैं और बात किसी और की करते, तो ऐसे ही यहाँ बैठे थे नारायण भाई, वो तो ज्ञान में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो कितने जानते हैं कि हमारे पापा ने जो संस्था खड़ी की है वो इतनी बड़ी संस्था हो गई इसलिए उनको बुलाया जाता है तो आ जाते हैं। तो पूछा नारायण से करना है तो जो बाप दादा ने कहा है 9 लाख की लिस्ट होनी चाहिए। क्या 9 लाख की लिस्ट होनी चाहिए? वो तो हो ही जाएगी ना। तो अगली सीजन में बाप दादा ये खुशखबरी सुनना चाहते हैं कि 6 लाख नहीं 9 लाख तो हो गए हैं। 9 लाख हो गए हैं, उससे ज्यादा अगर हो जाते हैं तो वाह वाह की बात है। वाह समर्थात में वाह। सभी जोन ये प्रोग्राम बने क्या कि 9 लाख को शिवरात्रि का संदेश देने। हाँ तो 9 लाख तो हो गए हैं, उससे ज्यादा ही हो जाए तो ये तो ठीक है। शक्तियां बताएं इस बात को, ये बात ठीक है
टीचर्स को तो कंगन तैयार कर लेना चाहिए। क्या बाबा के कम से कम कंगन तो तैयार करें। बाबा के हाथों में मालाएं दिखाई जाती है। कौन से बाबा? शंकर को। शंकर को हाथों में ढेर सारी मालाएं दिखाई जाती है, और गले की माला दिखाई जाती है, और सर की माला दिखाई जाती है। सर से सबसे छोटी और श्रेष्ठ माला है सर की, अष्टतन की। फिर उससे बड़ी है 108 की गले की माला। फिर उससे बड़ी है जो सारी बाहें भरी रहती है, वो है 16108 की। तो कहा क्या कहा? सखियां टीचर्स को तो संगम तैयार करने चाहिए। पंजाब और राजस्थान की टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर्स तो बहुत ही बना सकती है, लेकिन औरों को भी बनाने को प्रोग्राम देना, प्रेरणा देना। अच्छा ये बताओ टीचर्स कितनी है? एक एक दिन 9 को तैयार करें तो 9 लाख हो जाएंगे। एक एक टीचर 9 को तैयार करे, एक एक टीचर 9 को तैयार करे तो 9 लाख हो जाएंगे। तो इसका मतलब टीचर कितने हुए? अरे बाबा जैसे अभी बताया कि जितने भी संदेश देने वाले हैं, अगर एक एक को संदेश दो तो 9 लाख निकलेंगे। दोनों संदेश देने वाले ही 9 लाख हो गए। अब यहाँ टीचर्स की बात कर रहे हैं, तो टीचर्स को कहा एक एक टीचर भी 9 को तैयार करे तो 9 लाख हो जाएंगे। तो टीचर कितनी हुई? कितने टीचर हुए? अरे 9 लाख में 9 का भाग दे दो, डिवाइड कर दो 9 से, तो कितना आएगा? नहीं नहीं 1 लाख कितने आएंगे? 1 लाख आता है। तो 1 लाख का मतलब यह है कि एडवांस में तैयार संदेश लेने वाले हो चुके हैं, वो सारे टीचर्स हैं। इस एडवांस ज्ञान में जो भी आ जाता है एक बार, क्या भले संदेश ही लिया हो, भक्ति भी नहीं हो, फिर संदेश अगर उसको मिला हुआ है तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की ताकत नहीं है कि उसके सामने आकर बात कर सके, तो टीचर बन जाता है। टीचर से कोई स्टूडेंट बात कर सकता है क्या? टीचर टीचर है और स्टूडेंट तो बोला एक एक भी 9 को तैयार करे तो 9 लाख हो जाएंगे। क्या समझते हो अगले सीजन तक ये खुशखबरी मिलेगी 9 लाख टीचर्स की? हाँ निर्भर बोलो, किसे पूछो? निर्भर। और कोई से नहीं पूछा? किसे पूछा? निर्भर। निर्भर माने जिसका कोई है कोई जुगाड़ नहीं। बोलो ये खुशखबरी मिलेगी? होगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। 6 लाख है, 3 लाख चाहिए क्या? मैंने 6 लाख है और कितने चाहिए? 3 लाख चाहिए। हो जाएगा, बस सब सिर्फ हिम्मत रखो कि हमको करना ही है। क्या बोलेंगे? कहो करना ही है। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। आप ब्राह्मण आत्माओं का संकल्प क्या नहीं कर सकता है? अरे तो अपने श्रेष्ठ संकल्प का महत्व सूची में रखना है। बाप दादा ने देखा कि अमृत वेले नजायती की याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कर्मयोगी की स्टेज में जो अमृत वेले का नशा है उसमें अंतर पड़ जाता है। क्या अमृत वेले उत्तर के जो कर्म करने लग पड़ते हैं तो उसमें याद उतनी नहीं बैठ पाती है जितना बैठ करके बैठती है। कारण क्या है? कर्म करके सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है। तो इसकी विधि है कर्म करके मैं आत्मा, कौन सी आत्मा? मैं आत्मा, कौन सी आत्मा? वो तो जानते हो, जानते हो किसकी आत्मा, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं आत्मा, कौन सी आत्मा? वो तो जानते हो, नहीं जानते? मैं आत्मा, कौन सी आत्मा? बिंदी बिंदी आत्मा से सब आत्मा ही। हाँ निराकार आत्मा सारी कीड़े मकड़ों की आत्मा है भी निराकार ही। दो बिंदु मैं आत्मा, कौन सी आत्मा? हाँ कम से कम इतना तो हम जानते हैं कि हम देव आत्मा है। देव आत्मा है वो जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए। क्या कितनी होगी देव आत्मा? जिन्होंने
पूरे 84 जन्म, अगर एक ने एक जन्म कम लिया तो वो 9 लाख की गिनती में नहीं आएगा, पहले जन्म की प्रजा नहीं बनेगी। और पहले जन्म की प्रजा नहीं बनेगी तो 84 जन्म पूरे होते नहीं, जिसके 83 जन्म है वो द्वापर युग दूसरे जन्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या क्यों नहीं समझ पड़ती, क्यों नहीं समझ पड़ती? हाँ अच्छा ये बताओ, 84 जन्म ले लिया आपने, लिए तो है, 84 जन्म तो लिए हैं, 84 जन्म लिए हैं, क्योंकि जिन देवताओं ने 84 जन्म लिए हैं वो देवताएं आज कम क्यों हो गए? उनकी संख्या तो बढ़नी चाहिए दुनिया में, वो कम क्यों हो गए? वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते चले गए, तो जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले थे उनका फाउंडेशन कहाँ पड़ा? यहाँ जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं, अपनी मनमत चलाते हैं, मनुष्यों की मत पर चलते हैं, मुरली की बात नहीं मानेंगे, दीदी दादी दादाओं की बात मानने लग पड़ेंगे, तो कौन से धर्म में कन्वर्ट हो गए? तो बाबा के धर्म, बाबा के स्थापन किए हुए धर्म मेरे नहीं, वो तो दूसरे धर्म में चले गए, तो जो दूसरे धर्म में चले गए उनकी फाउंडेशन कहाँ पर थी? यहाँ संघ में, यहाँ संघ में फाउंडेशन पड़ रही है दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वालों की। माने बाबा ने जो कुछ मुरली में बोला उसकी परवाह नहीं करेंगे, देवधारी गुरु जो कुछ कह देते हैं बस उसको फॉलो करने लग पड़ेंगे, तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए ना। देवधारी गुरुओं की बात मान ली और बाबा की बात पछाड़ दी। तो बोला जो भिन्न भिन्न आत्मा के समान मिले हुए हैं आपको, ऐसी आत्मा करावनहार होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली आत्मा है, ये कर्मेंद्रियां कर्मचारी हैं, लेकिन कर्मचारियों से कर्म कराने वाली मैं करावनहार हूँ, मैं न्यारी हूँ। क्या लौकिक में भी डायरेक्टर अपने साथियों से निमित्त सेवा करने वालों से सेवा कराते, डायरेक्शन देते, ड्यूटी बजाते ये भूल जाते हैं मैं डायरेक्टर हूँ? तो मैं आत्मा भी इन कर्मेंद्रियों का क्या हूँ? डायरेक्टर हूँ, इन कर्मेंद्रियों का डायरेक्टर हूँ। अपने को करावनहार शक्तिशाली आत्मा समझो, यह आत्मा और शरीर वह करण करावनहार मैं आत्मा हूँ, वह शरीर है करणहार और मैं आत्मा हूँ करावनहार, ये स्मृति मर्ज हो जाती है, इसलिए सफलता नहीं मिलती। अब क्या करना है? आप सबको पुराने बच्चों को मालूम है कि ब्रह्मा बाप ने शुरू शुरू में क्या अभ्यास किया था? एक डायरी जैसी थी ना, सारी डायरी में एक ही शब्द, मैं भी आत्मा, यशोदा भी आत्मा, ये बच्चे भी आत्मा, हम सब आत्मा ही आत्मा, सारी डायरी में यही बाबा ने लिख मारा। प्रैक्टिस पक्की कर दी, क्या मैं भी आत्मा, जो सामने आया वो भी आत्मा, और जहाँ जहाँ नजर जाती है वो सब आत्मा, ये फाउंडेशन सदा का अभ्यास किया क्यों शुरुआत में? तो ये पहला पाठ है मैं कौन, क्या एडवांस में भी आए तो पहला पाठ बुद्धि में पक्का हो जाए कि मैं वो आत्मा हूँ जो 9 लाख की कैटेगरी में आने वाली है, ये तो पक्का हो गया। क्या पूरे कितने जन्म लेने वाली? पूरे 84 जन्म लेने वाली मैं पक्का देवता आत्मा हूँ, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा, जो सेकंड नारायण होगा, जो सेकंड धर्म पिता दुनिया का कौन है? इब्राहिम, उसके धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं समझाया? सेकंड नारायण, उसकी पूजा थोड़ी होती है, संगमी नारायण की पूजा होती है, दूसरे तीसरे चौथे नारायण की कोई पूजा होती है, सात नारायण की कोई पूजा होती नहीं, मूर्तियां भी नहीं बनती, मंदिर भी नहीं बनते, पूजा भी नहीं होती। तो मैं होने के धर्म में जाने वाली आत्मा मैं ही हूँ, अब समझ में आया? आया आया। तो ये पहला पाठ पक्का करो कि मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ, 84 जन्म लेने वाली आत्मा हूँ, 83 जन्म लेने वाली इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा हूँ, 82 जन्म लेने वाली बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा हूँ, 81 जन्म लेने वाली क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा हूँ, कौन सी आत्मा हूँ, कौन से नारायण के राज्य में मेरे को आना है परमधाम से उतर करके? ये पक्का है, स्मृति में धारण करो कि मैं संगमी जी जो फर्स्ट नारायण है, नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाला, क्या नर से डायरेक्ट नारायण, नर से प्रिंस भी नहीं, नर से प्रिंस तो कैसे भी जेल बनेगी? मैं कौन?
मैं डायरेक्ट जो नर से नारायण बनने वाली आत्मा है उसके राज्य में आने वाली आत्मा है। मैंने 4.5 लाख क्या, तो 4.5 लाख में आने वाली आत्मा है तो 9 लाख में तो होगी। अच्छा, इसका बार बार अभ्यास चाहिए, चेकिंग चाहिए। ऐसे नहीं, मैं तो हूँ ही आत्मा, मैं बिंदु आत्मा हूँ। अनुभव करे कि मैं आत्मा करावन हार बन कर्म कराए रही हूँ। क्या, मैं आत्मा करावन हार बन कर्म कराए रही हूँ इस शरीर के द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा। पहले राजाई किसके ऊपर करनी है? पहली बात अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर राजाई करनी है। हमारी कर्मेंद्रियां यहाँ कंट्रोल होंगी तो वहां भी कंट्रोल हो जाएंगी, यहाँ कंट्रोल में नहीं तो वहां भी कंट्रोल में नहीं। हम राजाई किसके ऊपर कैसे करेंगे? राजाई करने की सुस्त है क्या? राजाई वही आत्माएं करेंगी जिन्होंने जीत पाई होगी। इसलिए जैनियों में जीत पाने वालों का नाम का क्या रख दिया? जिनेन्द्र भगवान। इंद्रियों को जीतने वाले, क्या जीतने वाले। करण करावनहार, करणहार अलग है, करावनहार अलग है। ब्रह्मा बाप का दूसरा अनुभव भी सुना, ये कर्मेंद्रियां कर्मचारी है। तो रोज रात की कचहरी सुनी है ना, तो मालिक बन इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों से हालचाल पूछा है ना। जैसे ब्रह्मा बाप ने ये अभ्यास फाउंडेशन बहुत पक्का किया, इसलिए जो बच्चे लास्ट में भी साथ रहे उन्होंने क्या अनुभव किया कि बाप कार्य करते हुए शरीर में होते हुए भी अशारीरिक स्थिति में चलते हुए फिरते हुए अनुभव होते रहे। चाहे कर्म का हिसाब भी किसको करना पड़ा, लेकिन साक्षी हो न स्वयं कर्म के हिसाब के बस रहे और न और ब्रह्मा बाप ने ये अभ्यास फाउंडेशन बहुत पक्का किया, इसलिए जो बच्चे लास्ट में भी साथ रहे उन्होंने क्या अनुभव किया कि बाप कार्य करते हुए शरीर में होते हुए भी अशारीरिक स्थिति में चलते फिरते अनुभव होते रहे। चाहे कर्म का हिसाब भी चुप चुप करना पड़ा, लेकिन साक्षी हो न स्वयं कर्म के हिसाब के बस रहे और न औरों को कर्म के हिसाब किताब चुप चुप होने का अनुभव कराया। आपको मालूम पड़ा कि ब्रह्मा बाप अव्यक्त हो रहा है? नहीं मालूम पड़ा ना। जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो किसी को पता भी नहीं, जब तक डॉक्टर आया तब तक शरीर छोड़ के गए। आपको मालूम पड़ा कि ब्रह्मा बाप अव्यक्त हो रहा है? नहीं मालूम पड़ा ना। तो इतना न्यारा साक्षी अशरीरी अर्थात कर्मातीत स्थित बहुत काल के अभ्यास की बने, तब अंत में भी वह स्वरूप अनुभव हुआ। ये बहुत काल का अभ्यास काम में आता है, ऐसे नहीं सोचो कि अंत में देवान छोड़ेंगे। नहीं, बहुत काल का शरीरपन का, देह के न्यारापन का, करावनहार स्थिति का अनुभव चाहिए। अंतकाल चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे तंदुरुस्त है, चाहे बीमार है, किसका भी कभी भी अंतकाल आ सकता है। तो टाइम बता क्या है, अंतकाल कभी भी आ सकता है। तो आत्म की स्थिति पक्की होगी, कर्मी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल पूरा होगा कि मैं आत्मा करावनहार हूँ और ये शरीर कर्म इंद्रियां करने वाली है। इसलिए बहुत काल का अभ्यास साक्षीपन का अटेंशन दो, चाहे कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। किसको कहा है? सबसे ज्यादा तंग करने वाली चीज दुनिया में कौन सी होगी? एटम बम इतना नहीं तंग करेंगे ना। प्रकृति माया से भी ज्यादा पावरफुल है प्रकृति, वो बहुत तंग करेगी। जमीन हिलेगी तो बिल्डिंग गिर पड़ेंगी, किसी की टांग दब जाएगी, किसी का हाथ दब जाएगा, और वहाँ निकालने वाले भी कोई नहीं होंगे, पड़े पड़े चिल्लाते रहो, कितना कष्ट होगा। तो ये अशरीरीपन का स्टेज आपका सहज न्यारा और बाप का प्यारा बना देगा। इसलिए बहुत काल का अभ्यास होना चाहिए। ये बाप दादा इस बात पर अंडरलाइन कराए रहे हैं, क्या भी हो सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का, करावनहार की स्टेज का, अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो, तब अंत मते फरिश्ता से देवता ये स्थिति निश्चित रूप से बन जाएगी। बाप समान बनना है तो बाप निराकार और फरिश्ता है। क्या बाप क्या है?
निराकार अच्छा और फरिश्ता है फिर फरिश्ता तो ऊपर होता है ब्रह्मा कुमार कुमारी बताते हैं फरिश्ताओं सब ऊपर होते हैं है? फरिश्ताओं के तो पैर भी से सब की दुनिया में नहीं करते तो फिर हाँ इस शरीर में रहते हुए भी हम ऐसी स्टेज का अनुभव कर सकते हैं मनन चिंतन मंथन की स्थिति में रह सकते हैं कि ये दुनिया हमको भूल जाए तो भूला हुआ अनुभव जब करते हो तो फरिश्ता है तो बोला कि बाप तो निराकार फरिश्ता है ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता ही स्टेज में रहना ऐसे नहीं कि ब्रह्मा की तरह शरीर छोड़ करके रहेंगे नहीं शरीर छोड़ करके फरिश्ता बनना नहीं क्या करना है शरीर में रहते हुए भी फरिश्ता बनना है सब की दुनिया वालों से हमारा कोई रिश्ता नहीं एक बात दूसरा रंग बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार ले संदेश देने के लिए साकार में कार्य कर रहे हैं फरिश्ता अर्थात देह में रहते देह से न्यारा और ये एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप को देखा असंभव नहीं है देखा अनुभव भी किया तो जो भी निमित्त है चाहे अभी विस्तार ज्यादा है लेकिन जितनी ब्रह्मा बाप की नई नॉलेज नई जीवन नई दुनिया जमा बनाने की जिम्मेवारी थी किसकी 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 जिम्मेवारी थी ब्रह्मा बाप की अकेले ब्रह्मा की नहीं अम्मा बाप दोनों की तो जितनी ब्रह्मा बाप की नई नॉलेज नई जीवन नई दुनिया बनाने की जिम्मेवारी थी उतनी अभी किसी की भी नहीं है वो इतनी जिम्मेवारी कोई चीज नहीं कर रहा है कितनी जिम्मेवारी कि नई दुनिया हमें बनानी है जिम्मेवारी ऊपर रहकर जो पूरी होगी क्या नई दुनिया कहाँ बनेगी ऊपर बनेगी या नीचे बनेगी तो नीचे जो नई दुनिया बनेगी वो बनाने वाला भी तो नीचे ही चाहिए ना तो इसलिए बोला कि जितनी ब्रह्मा बाप की नई नॉलेज नई जीवन नई दुनिया बनाने की जिम्मेवारी थी उतनी अभी भी किसी की नहीं है पहले भी नहीं थी और अभी भी इतनी जिम्मेवारी कोई थी फील नहीं कर रहा है तो सबका लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना शिव बाप समान बनना अर्थात निराकार स्थिति में स्थित होना समान बनना शिव बाप समान कैसे बनी शिव बाप तो हमेशा बिंदी है जन्मण के चक्कर में नहीं आता नहीं भले जन्मण के चक्कर में नहीं आता लेकिन अभी कार्य कहाँ कर रहा है अभी तो साकार तन में है ना तो बोला क्यों बाप समान बनना अर्थात निराकार स्थिति में स्थित होना मुश्किल है क्या बाप और दादा से प्यार है ना किससे किससे प्यार है बाप से भी प्यार है और दादा से भी प्यार है ना तो जिससे प्यार है उस जैसा बनना जब संकल्प भी है बाप समान हमें बनना ही है तो कोई भी मुश्किल बात नहीं होगी सिर्फ बार बार अटेंशन दो साधारण जीवन नहीं साधारण जीवन जीने वाले तो दुनिया में बहुत है बड़े बड़े कार्य करने वाले भी दुनिया में बहुत हैं, लेकिन आप जैसा कार्य आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और कोई कर नहीं सकता तो आज इसी दिवस पर बाप दादा समानता में समीप आओ किसकी समानता के समीप बाप दादा की समानता के समीप आओ और समीप में लाओ बाप दादा समीप आने का वरदान दे रहे हैं किस बात में समीप आने का वरदान दे रहे हैं निराकारी और आकारी स्थिति बनाने का वरदान दे रहे हैं सभी हद के किनारे क्या हद के किनारे पकड़े हुए हैं आधार बनाए हुए हैं तो पूछा सभी हद के किनारे चाहे संकल्प चाहे बोल चाहे कर्म संबंध संपर्क कोई भी हद का किनारा किसी ने पकड़ा हुआ हो अपने मन की नैया को इन हद के किनारों से मुक्त कर दो और बाप के हवाले अपनी जीवन की नैया सौंप दो क्या बाप के हवाले अपनी जीवन की नैया सौंप दो बहुत बड़ी बात बोल दी हाँ यही बात विघन डालती है सभी हद के किनारे चाहे संकल्प के हो चाहे बोल के हो चाहे कर्म के हो किसी से संबंध संपर्क जोड़ने के हो कोई भी हद के किनारे हो अपने मन की नैया को इन हद के किनारों से मुक्त कर दो कहीं न कहीं सच्ची मन बुद्धि अटकी हुई है अभी से जीवन में रहते मुक्त ऐसे जीवन मुक्ति का अलौकिक अनुभव बहुत काल का करो क्या अभी से शुरू कर दो एक बाप दूसरा न कोई अपने अपने प्रश्नों का समाधान ले लो ऐसे नहीं बाबा के सामने खड़े होकर के बोलने से ही प्रश्नों का समाधान होता है मुरली में हर बात का जवाब मिल जाता है अच्छा चारों ओर के बच्चों के पत्र बहुत मिले हैं
और मधुबन वालों की क्रोध मुक्ति की रिपोर्ट समाचार भी बास दादा के पास पहुंच गया। क्या कि मधुबन वालों का क्रोध खत्म हुआ है या नहीं खत्म हुआ है, ये समाचार भी बाप दादा के पास पहुंच गया। क्योंकि मधुबन वालों का सबसे ज्यादा क्रोध किसके ऊपर आ रहा है? शंकर पार्टी वाले के ऊपर, शंकर के ऊपर, शंकर पार्टी वालों के ऊपर। क्रोध मुक्ति की रिपोर्ट समाचार भी बाप दादा के पास पहुंचा है। बाप दादा बच्चों की हिम्मत पर खुश हैं और आगे के लिए सदा मुक्त रहने के लिए सहन शक्ति का कवच पहने रखना। क्या क्या करना? सहन शक्ति का कवच पहन के रखना। सहन शक्ति का कवच इसका मतलब पहना हुआ नहीं है। किन्होंने? मधुबनी वालों ने। उनको बार बार क्यों आ जाता है, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, अभी बताऊंगा। बाप दादा हाँ इस काम के लिए एक कवच दे रहे हैं। कौन सा कवच? सहन शक्ति का कवच पहने रखना, उतार के नहीं रख देना। अभी तक भी उतारा हुआ है लेकिन अभी बाप दादा दे रहे हैं कि ये सहन शक्ति का कवच पहन के रखना। लेकिन देवता धर्म के होंगे जो पहनेंगे। देवता धर्म का सबसे मुख्य गुण कौन सा होता है? सहनशीलता। वो उनके पास होगी नहीं तो पहनेंगे कहाँ से? उनको भले तुम कितने भी कवच दे दो, उनको पहनने की प्रैक्टिस है ही नहीं। सहन शक्ति का कवच पहन करके रखना तो कितना भी कोई प्रयत्न करे, लेकिन आप सदा सेफ रहना। आप कोई कितना भी प्रयत्न करे कि आपको क्रोध आ जाए, लेकिन सहन शक्ति का कवच होगा तो आपको क्रोध नहीं आएगा। ऐसे सर्वदृढ़ संकल्पधारी सदा ऐसी स्वरूप आत्माओं को, सदा सर्व समर्थियों को, समय पर कार्य में लाने वाले विशेष आत्माओं को, क्या जो सब प्रकार की समर्थियां बाप दादा से मिली है, उन समर्थियों को, टाइम पर काम में लाने वाली आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं के रहन दिल आत्माओं को, सदा बाप दादा समान बनने के संकल्प को साकार रूप में लाने वाले ऐसे बहुत बहुत प्यारे और न्यारे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और क्रोध करने वालों को बाप दादा का याद प्यार बिल्कुल नहीं मिल रहा। पूरी अज्ञतवाणी जितनी भी चल रही है 69 से लेकर आज तक कंडीशन में बांध देते हैं कि अव्यक्त बाप दादा का प्यार किनको मिल रहा है। ऐसे 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 जो स्टेज को धारण करने वाले बच्चे हैं उनको याद प्यार और बाकी को कुछ नहीं। अच्छा पंजाब के सेवाधारियों से, हाँ जी पंजाब वालों ने भी अपना बेहद सेवा का पार्ट अच्छा बजाया। बाप दादा खुश होते हैं कि हर एक जन बड़े उमंग उत्साह से सेवा का गोल्डन चांस प्रैक्टिकल में लाए रहे। पंजाब वाले तो पंजाब नाम ही नदियों के आधार पर पड़ा है। कितनी नदियां? 5 नदियां, पंच नद है। उन पंच नदों के आधार पर इसका नाम पड़ा है पंजाब। आजकल नदियों को ही पावन बनाने वाले मानते हैं। तो पंजाब वाले उठो, पंजाब वाले टीचर तो अपने टीचर से बाप दादा का साक्षात्कार कराने वाली है। बाप दादा का भी और अपने टीचर का भी, अपने टीचर के द्वारा प्रत्यक्ष करने की सेवा विशेष टीचर की है। हरेक का टीचर सदा ही जैसे प्रदर्शनी बना हुआ हो। क्या क्या बना हुआ हो? प्रदर्शनी बना हुआ हो। प्रदर्शनी का मतलब ये हुआ कि उन्होंने स्कूल प्रदर्शनी लगाना शुरू कर दी, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि स्कूल प्रदर्शनी नहीं लगाओ, क्या करो अपने चेहरे जो हैं वो ही ऐसे खुशी से भरे हुए बने हुए दिखाई पड़े जो सब देख करके खुश हो जाए। उनको क्या मिला है? प्रश्न पैदा होने लगे। प्रदर्शनी के चित्र स्वतः ही अपना परिचय देते हैं तो आपके टीचर चलता फिरता प्रदर्शनी हो और हरेक को स्वतः ही स्मृति दिलाते रहो। समझा? 100 ब्राह्मणों से उत्तम कुमारियों को भी बहुत बहुत याद किया। एक कुमारी में कितनी ताकत होती? 100 ब्राह्मण जितनी सेवा करेंगे उतनी एक कुमारी सेवा कर सकती है। ऐसे एक कुमारी में प्योरिटी की इतनी पावर होती है कि वो अकेली अगर सेवा करेगी तो उतना असर पड़ेगा जितना 100 ब्राह्मण मिलकर के सेवा करेंगे। इतनी प्योरिटी की पावर असर करने वाली होती है। तो बताया 100 ब्राह्मणों से भी उत्तम कुमारियों को बहुत बहुत याद किया। क्या बहुत बच्चों से याद? अभी तक टीचर से बनने वालों से बात की, अब किससे? बच्चों के बिना तो रौनक ही नहीं है। घर का श्रृंगार होते हैं, बाप दादा का श्रृंगार बच्चे हैं। बच्चों को तो बाप दादा राजा बच्चा के रूप में देखते हैं। क्या बाबा कौन से बच्चों को देखते हैं? प्रजा बनने वाले बच्चों को नहीं देखते। किन बच्चों को देखते हैं?
राजा बच्चों को देखते हैं, एक एक बच्चा राजा बच्चा है, ऐसे है ना? ऐसे है बच्चे, राजा बच्चे हो या प्रजा बच्चे हो, प्रजा माने प्रजा जिनको कहा जाएगा, जो दूसरों से प्रभावित हो जाए उनको कहा जाएगा प्रजा, और जो सिवाय बाप दादा के और किसी से प्रभावित न हो वो है राजा बच्चे। अच्छा, बहुत अच्छा, बच्चों को देख करके सब खुश होते हैं। अभी बच्चे कमाल करके दिखाने, कौन सी कमाल, अभी कमाल बताई ना, कमाल को छोड़ कमाल करके दिखाना, बच्चे भी अपने हमजिंस बच्चों को तैयार करना, करेंगे ना? अच्छा, दादियों से आज के दिन क्या याद आता है, है? है? पूछा आज इसी दिवस के दिन क्या याद आता है, मैंने बाबा ने पूछा है कि इसमें कोई गुह रहस्य भरा हुआ, कौन याद आता है, है? जब याद में बैठते हैं तो कौन से गीत गाते हैं, तो आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, इसका मतलब चले गए, तो वियोगी याद हुई या योगी की याद हुई, योगी की याद हुई, वियोगी याद हो गई, तो वियोगी याद माने दुखी की याद हो गई, माने मिला हुआ नहीं है, जो मुरलियों बोला है प्रैक्टिकल में बाप मिलने का युग जो है वो सिर्फ संगम युग है, संगम युग में ही प्रैक्टिकल में बाप मिल सकता है और दूसरा कोई युग नहीं है, और वो क्या गाते हैं, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, इसका मतलब वियोग हो गया। हाँ, तो दादियों से बोला आज के दिन क्या याद आता है, विल पावर्स मिली है, विल पावर्स का वरदान है, बहुत अच्छा पार्ट बजाया, इस अच्छे पार्ट की मुबारक, सभी की दुआएं आपको बहुत हैं, आपको देख करके सभी खुश हो जाते हैं, बोलो या नहीं बोलो लेकिन आपको देखकर खुश हो जाते, आपको कुछ होता है ना तो सब ऐसे समझते हैं हमको हो रहा है, अपनापन जिससे होता है ना, कैसा भी किया जिससे अपनापन होता है उसका दुख कैसा लगता है, हमारा अपना दुख लगता है, तो इतना प्यार है किनको, बच्चों को, दीदी दादियों को, सभी का है प्यार, तो है बहुत सभी से है, ये प्यार ही सभी को चला रहा है। क्या एक मुरली जाके बोला है कि विदेशी बच्चे जो होते हैं वो प्यार के ऊपर परवाने हो जाते हैं, क्या, और बाबा को कौन से बच्चे प्रिय हैं, बाबा ने एक वाक्य बोला है जिसने बता दिया मुझे कौन से बच्चे विशेष प्रिय हैं, नहीं नहीं, ज्ञानी दू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, बाप दादा को इसलिए ही बच्चे प्रिय नहीं होते, कौन से प्रिय है, ज्ञानी दू आत्मा बच्चे मुझे विशेष प्रिय है, और दीदी दादियों को, जो दीदी दादियों से देह दादियों से स्नेह ज्यादा करने वाले हो वो पसंद है, गुरु लोग तो वही करना सिखाएंगे, और बाबा क्या किसको पसंद करते हैं, जो ज्ञान की बातों को पसंद करने वाले, ज्ञान के ऊपर परवाने बन जाए, बाबा ने जो बोला जो कहा उसके ऊपर ज्ञान भी निछावर करने वाले, तो ये प्यार दीदी दादियों का सबको चला रहा है, धारणा कम हो ज्यादा हो लेकिन प्यार चला रहा है, बहुत अच्छा, ईशु दादी से इसने भी हिसाब किताब किसको कर लिया, ईशु दादी ने, कोई बात नहीं, इसका सहज पुरुषार्थ, सहज हिसाब किसकी, सहज ही हो गया, सोते सोते आराम मिला विष्णु के मुआफिक, अच्छा फिर भी साकार से अभी तक यज्ञ रक्षक बने हैं, कौन, ईशु दादी साकार से अभी तक यज्ञ के रक्षक बने हैं, तो यज्ञ रक्षक बनने की दुआएं बहुत हो जाती, पहली जो अज्ञातवाणी बोली थी ना उसने बोला था कि हेड ऑफिस का कारोबार संभालने वाली उसको बताया इसी बहन को, दादी को बताया उसने सहयोगी बनकर रहेगी, माना असिस्टेंट क्लर्क बनकर रहे, क्या, और हेड क्लर्क किसको बता दिया, इसी दादी ने, देखना पहली जो अध्यक्षवाणी चली 21 जनवरी की, उसको देखना ध्यान से, तो यज्ञ रक्षक बनने की दुआएं बहुत होती है, सभी दादियां बहुत समीप है बाप दादा के, क्या, सभी दादियां किसके समीप है, बाप दादा के, कौन से बाप दादा के, आगे से बाप दादा के समीप रतन है, और सबको दादियों का मूल्य है, संगठन भी अच्छा है, आप दादियों के संगठन ने इतने वर्ष यज्ञ की रक्षा की है और करते रहेंगे, ये एकता सभी सफलता का आधार है, बाप को रखा है बीच में, ये अटेंशन बहुत अच्छा दिया है, अच्छा सभी ठीक है, मोहिनी बहन से तबियत ठीक है, आपस में भी हिम्मत अच्छी है, चला लेती है, आता है और चला जाता है, ये भी सच्ची है, मनोहर दादी प्रकृति को चलाना भी आ गया है,
मनोहर, जो मन को भी हरण कर ले, मन को हरण कर ले, मन को भी हर ले। उनसे बोला प्रकृति को चलाना भी आपको आ गया है। मन कौन है, मन कौन है, बुद्धि कौन है, संस्कार कौन है? मन है ब्रह्मा, बुद्धि है शंकर तीसरा नेत्र, और विष्णु है संसार शक्ति। क्या तो मनोहर दीदी किसको धारण कर लेती है? हाँ, ब्रह्मा के मन को जीत लेती है। तो प्रकृति को चलाना भी आ गया है। जिसने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, वो समझ लो प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त आसानी से कर लेता है। तो प्रकृति को चलाना आ गया है, पुरानी मोटर को धक्का बीच बीच में देना होता है, इसलिए चलाए रहे हो, बहुत अच्छा चलाए रहे हो। आप लोगों का हाजिर होना यही सब कुछ सफलता है। अच्छा, स्मृति दिवस देखने वाली हो सभी। अच्छा, सबका संदेश नंबर वन है। हाँ, आप भी सबको संदेश देने में नंबर वन हो। नदियां तो बहती रहती है, तो पंजाब भी संदेश देते आगे बढ़ता रहता है। बहुत प्रोग्राम अच्छे बनाए हैं। किसने पंजाब के लिए आज वाणी में विशेष याद फिर किया स्मृति दिवस के दिन? बाप दादा ने सुना है सबका अच्छा उमंग है। कहां के लोगों के लिए बोला? पंजाब वालों के लिए। आज स्थापना का स्थान है क्या? पंजाब। आज स्थापना का स्थान है, इसलिए शक्ति ज्यादा है। क्या? हाँ, इसलिए आपके निमित्त चंद्रमणि बच्ची को टाइटल ही दिया। चंद्रमणि तो शरीर छोड़ दिया, लेकिन जैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन कोई तो उनका मुकर्रर है ना? क्या, जिसको प्रवेश करके ब्रह्मा बाबा पाठ बजाते, जिस विष्णु भाव ने भी शरीर छोड़ दिया, तो कोई तो उनका मुकर्रर है जिसमें प्रवेश करके वो पाठ बजाते हैं। तो एडवांस पार्टी में ही वो बच्चे जिसमें प्रवेश करते हैं। तो ऐसे ही चंद्रमणि दादी ने भी भले कर्नाटक में जाकर के शरीर छोड़ दिया, लेकिन वो भी प्रवेश करके पार्ट बजाए रही है। तो चंद्रमणि बच्ची को टाइटल ही दिया है पंजाब की शेरनी, शेर पंजाब। तो सब शेरनियां, कमजोर तो नहीं हो पांडव, कमजोर तो नहीं हो, शक्तिशाली हो ना। कहां के पांडवों से बात की? पंजाब वालों से, पंजाब वालों से ही बात कर रहे हैं। आज जो वाणी में बात की है जिसे पंजाब वालों से, इसलिए आप पंजाब ही जा रहे हैं। पांडव कमजोर तो नहीं, शक्तिशाली हो ना, कहो हाँ जी। बाप दादा जानते हैं एक एक पंजाब का शेर या शेरनी शिकार करने में होशियार। क्या, शेर और शेरनी किसका शिकार करते हैं? है जो और दूसरे जानवर है ना खेत के, जंगल के जो जानवर होते हैं ना भाट घाट के, उनका शिकार करने वाले होते हैं शेर शेरनी। क्या, जमात होती है ना, तो पहला नारायण है, दूसरा नारायण है, तीसरा नारायण है। आप कौन से नारायण की प्रजा बनना पसंद करेंगे, या राजा बनना पसंद करेंगे, या राज्य अधिकारी बनना पसंद करेंगे? पहले नारायण के, माना शेर के अंदर में रहेंगे है? तो कोई शेर की जमात है, कोई घोड़ों की जमात है, कोई चीतों की जमात है, कोई गधेड़ों की जमात है। तो गधेड़ों की जमात का बच्चा बनना अच्छा, या शेरों की जमात का बच्चा बनना अच्छा? शेरों की जमात का बच्चा भी बन जाए तो भी अच्छा, और गधेड़ों की जमात का कोई हमें राजा भी बनाए तो भी क्या कहे जाएंगे? गधे के गधे ही कहे जाएंगे। तो सातवें नारायण की डायनेस्टी में कभी आने की कोई इच्छा नहीं करेगा। तो बोला बच्ची का टाइटल है शेरनी पंजाब की, तो सब शेरनियां हो, कमजोर तो नहीं हो, पांडव कमजोर तो नहीं है, शक्तिशाली हो ना। बाप दादा जानते हैं एक एक पंजाब का शेर शेरनी शिकार करने में होशियार। शेर तो शिकार करने में होशियार ही होता है ना, तो आप कितने होशियार हो? क्या, अगली सीजन में सबसे ज्यादा संख्या पंजाब लाएगा। बाबा की बहुत नजर पड़ी हुई है पंजाब पे। अगली सीजन में सबसे ज्यादा संख्या पंजाब लाएगा, एडवांस मुबारक है। क्या, हाँ, बाप दादा पहले से मुबारक दे रहे हैं एडवांस पार्टी के बच्चों को, जो खास पंजाब के हैं उनको इन एडवांस से मुबारक दे रहे हैं। अच्छा है, एक एक को देख बाप दादा खुश होते हैं। वाह मेरे संतन बच्चे, वाह पांडव भी, वाह वाह पत्नियां भी, वाह वाह। अभी वाह बाबा वाह का नगाड़ा बजाओ। कौन से जोन में
वहां का नजारा सबसे ज्यादा बचता है भक्ति मार्ग में। वाहे गुरु है पंजाब में, तो वाह बाबा वाह का नगाड़ा बजाओ, सब लोग कहें वाह हमारा बाबा वाह। ठीक है ना, हिम्मत है, हिम्मत भी है और बाप दादा की पदम गुना मदद भी है। ठीक है, देखो नाम ही है अचल। क्या कौन से जोन में? पंजाब में भी, कौन से शहर में? पंजाब में कोई शहर होगा? हाँ, दुनिया के हिसाब से तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ में जो इंचार्ज बहन है वो कौन है? अचल। पहले उनका नाम था चंचल, लौकिक में नाम क्या था? चंचल बहन। बाबा ने उनका नाम क्या रख दिया? अचल बहन। तो नाम ही है अचल और प्रेम है, जहाँ प्रेम है अचल है तो सब कुछ आ गया। चाहिए क्या? प्रेम चाहिए और अचल स्थिति चाहिए, और क्या चाहिए? ऐसे निमित्त का नाम ले रहे हैं, सभी का नाम बहुत अर्थ वाला है। जगह कलयुग में सभी का नाम बहुत अर्थ वाला, कलयुग के अंत में जो संगम जी जन्म मिलता है उसमें नाम भी सबके अर्थ वाला है। जैसे दादा लेखराज, काहे का लेख लिखने वाला? भाग्य का लेख लिखने वाला। अच्छा, तो ऐसे निमित्त का नाम ले रहे हैं, सभी का नाम बहुत अर्थ वाला है, सामने है तो दो का नाम ले रहे हैं, बाकी है सभी एक एक रतन, बाप दादा के दिल तक नसीब। तो ठीक है ना, डबल फार्मर्स तो एडवांस में डबल फार्मर्स कौन है? है? हाँ? 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 माता है क्या, भूल जाती है। बाबा ने बताया कि जो लौकिक दुनिया को छोड़ करके द्वितीय आश्रम में आए, क्या द्वितीय नॉलेज में आए, तो लौकिक दुनिया को खुद तो नहीं छोड़ा, लेकिन लौकिक दुनिया वालों ने उनको धक्का दे दिया। क्या? लौकिक परिवार वालों ने उनको धक्का दे दिया, तो बेचारे विदेशी बन गए, तो सिंगल विदेशी हुए। फिर वहां से धक्का मिला तो ब्रह्मकुमारी आश्रम में ब्रह्मकुमारी ज्ञान में आ गए, है ना, और फिर ब्रह्मकुमारी ज्ञान में से भी एडवांस में आए तो वहां से भी धक्का मिल गया, वहां से भी निकाला, देश निकाला मिला। पांडवों को क्या मिलता है? देश निकाला। देश निकाला पांडव को मिलता है, तभी तो पांडव कहे जाते हैं। तो उनको देश निकाला, वहां से भी मिला, तो कितने विदेशी, कैसे विदेशी हो गए? डबल विदेशी हो गए। हाँ, तो डबल फॉरेनर्स को डबल नशा है। क्या ऐसे नहीं, अरे हम तो न उस दुनिया के रहे और न इस ब्राह्मणों के परिवार के रहे, हम तो कहीं के न रहे, इसको नशा नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? अरे हम कोई के भी दुनिया के न रहे हो, लेकिन हम किसके रहे? एक बाप के बने। तो डबल फॉरनर्स को डबल नशा है। क्यों डबल नशा है? क्योंकि समझते हैं कि हम भी जैसे बाप दूर देश के हैं, वैसे हम भी दूर देश से आए, हमारा सफर बहुत लंबा है, लौकिक दुनिया से भी आगे बढ़े तो नई और दूसरी दुनिया में पहुंचे, फिर ब्राह्मणों की दुनिया में आए, ब्राह्मणों की दुनिया से भी आगे बढ़े तो अब फरिश्तों की एडवांस की दुनिया में पहुंचे। तो हम बहुत दूर देश से आए हैं। बाप दादा ने डबल विदेशी बच्चों की एक विशेषता देखी है कि वो दीप से दीप जगाते हुए अनेक देशों में बाप दादा के जगे हुए दीपकों की दिवाली मनाई हुई है। दीप कौन सा? जो आत्मा रूपी दीपक है, उसकी रोशनी से दूसरी आत्माओं को ऐसी रोशनी देते हैं संग के रंग से कि दूसरी आत्माएं भी जगमगाने लगती है। तो ये विशेषता देखिए कि दीप से दीप जगाते हुए अनेक देशों में बाप दादा के जगे हुए दीपकों की दीपाली दीपावली मनाई गई। अभी भी सुनो कितने देश से आए हैं, कोई ने कहा 35 देशों के लोग आए, 35 देशों के आए हैं इस कर्म में, और बाहर कितने होंगे? क्या 35 देशों से तो आए इस कर्म में, और बाहर भी तो होंगे बहुत। तो डबल विदेशियों को संदेश देने का शौक अच्छा है। हर ग्रुप में बाप दादा ने देखा 35-40 देशों के होते हैं, तो मुबारक है, सदा स्वयं भी उड़ते रहो और फरिश्ते बनकर के उड़ते उड़ाते संदेश देते रहो। अच्छा, आप 35 देश वालों को बाप दादा नहीं देख रहा है क्या? आप जो 35 देशों से इकट्ठे होकर के सामने आए हो उनको नहीं देख रहा है बाप दादा है, और भी देश वालों को आपके साथ देख रहा है। तो नंबर वन बाप समान बनने वाले हो ना, नंबर वन कि नंबर वन बनने वाले हो,
या नंबर वार बनने वाले हो? नंबर वन हो या नंबर वन बनने वाले हो या नंबर वार बनने वाले हो? क्या विन करने वाला, जीत पाने वाला, फतह करने वाला? कहाँ से बच्ची करके आए? फतेहगढ़ से। क्या फतेहगढ़ से? फतेह करके आए। और फतेहगढ़ से आए तो दिल्ली राजधानी में कहाँ हल्ट करके आए? विजय विहार में हल्ट करके आए। कहाँ? विजय विहार में। हाँ, तो कहा नंबर वन के नंबर वार बनने वाले हो, नंबर वन अर्थात विन करने वाले। तो जो विन करते हैं वो नंबर वन होते हैं। तो ऐसे हो ना, बहुत अच्छा है। विजयी है और सदा विजयी रहने वाले। अच्छा, और सभी को जहाँ जहाँ जाओ वहाँ स्मृति दिलाना कि सभी डबल फॉरेनर्स को नंबर वन बनना है। अच्छा, सभी को याद देना। और शिवरात्रि यहाँ मनाते हैं, लेकिन आप संदेश तो दे सकते हो ना, तो जितनी संख्या है उससे डबल संख्या दूसरे सीजन में होनी ज्यादा है। जितनी संख्या अभी है उससे डबल संख्या अगले सीजन में होनी है, होगी ना? होनी ही है। अच्छा, बाप दादा सभी माताओं को, गौपाल की प्यारी माताओं को बहुत बहुत दिल से याद किया दे रहे। और पांडव चाहे यूथ हो चाहे प्रवृत्ति वाले हो, पांडव सदा पांडव पति के साथ ही बन करके रहे और रहे हैं। ऐसे साथी पांडवों को भी बाप दादा बहुत बहुत याद किया दे रहे। ऐसे पांडवों को जो सदा पांडव पति के साथ ही रहे हो। पांडव पति है या मर गया, विधवा हो गए? ऐसे साथी पांडवों को भी बाप दादा बहुत बहुत याद किया दे रहे हैं। टीचर सोच रही है हमको तो देखा नहीं है। क्या पांडव पति ने हमको तो देखा नहीं है? बाप दादा कहते हैं देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।